थंबनेल और टाइटल से आप लोग को आइडिया आ गया रहेगा कि आज क्या है। आज है कोमल का बर्थडे और आज होगी पार्टी। लेकिन उससे पहले हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 हो रहा है। आज मैं जल्दी जिम जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1:30 या 2 बजे के आसपास उससे मिलना है और बता दो आगे का प्लानिंग, अभी एक साथ बता दूंगा तो फिर व्लॉग में मज़ा क्या रहेगा। तो सबसे पहले जाना है जिम और आज मैं अकेले जा रहा हूँ। ईशान भैया अभी बीमार पड़ गया और करण शाम को जा रहा है तो कोई नहीं आज साथ में, अकेले वर्कआउट करना पड़ेगा। चल गुड मॉर्निंग कम यार, इधर 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 से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग कर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इधर गुड मॉर्निंग कर बाबू, इधर इधर बोल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जोजो, बोल जोजो जोजो। ये लोग अभी मेरे घर पे रुकने वाले हैं, अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ हूँ जिम के लिए। जल्दी से रेडी होता हूँ, इन लोगों के साथ मस्ती कर रहा था मैं, जल्दी से रेडी होता हूँ उसके बाद जिम के लिए निकलते हैं। तो क्या देख रहा है? ये आजकल के जनरेशन वाले ऐसा ब्रश करते हैं। अरे ऐसा कोई ब्रश करता है क्या? हाँ। कौन? ये वाइपर रह गया यार, हमेशा होता है मेरे साथ। फाइनली मैं निकल गया जिम के लिए और जब से मैंने हेयरकट किया अभी रिसेंटली तब से लेकर अभी तक मैं बाल कुछ से सेट अच्छे से कर ही नहीं पाया हूँ। आप लोग बाल की कंडीशन देख सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि कोमल को मिलने से पहले एक बार वसीम भाई के पास जाना पड़ेगा, जो कि मेरे बार्बर है। वो बहुत मतलब बहुत अच्छे से सेट करता है, सेट करते नहीं सेट करते हैं। हाँ आज बाई द वे अकेले वर्कआउट करने के लिए मेरे को इतना ज़्यादा जान पे आ रहा है, मतलब जान पे नहीं आ रहा, एक्चुअली आदत हो गई है मेरे को किसी ना किसी के साथ वर्कआउट करने के लिए। और ईशान भैया हमेशा रहते हैं, मतलब उन्होंने अभी तक मेरे को नहीं लगता है कि डे ऑफ लिया रहेगा। एक ही दिन शायद लिया था, वो भी गणपति के टाइम पे, लेकिन उसके बीच में कभी भी नहीं लिया। तो काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि साथ में कोई ना कोई तो होता है वर्कआउट करने के लिए। आज पता नहीं कैसे होगा। और आज ट्रेन करने वाला हूँ मैं चेस्ट और ट्राइसेप। चेस्ट पे मेरा मेन फोकस रहेगा, ट्राइसेप अगर थोड़ा टाइम बचा तो ट्राइसेप ट्रेन करूँगा। ट्राइसेप में मोस्टली मैं FST 7 ही करता हूँ अगर मैं कोई बड़े मसल के साथ ले रहा हूँ उसको। तो इसी बात पे अभी मैं निकलता हूँ जिम के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी देखते हैं वहाँ पे कोई है क्या शूट करने के लिए, अगर होगा तो अच्छी बात है, वरना फिर कैमरा स्टिल रखकर जितना हो सकता है उतना मैं अपनी तरफ से शूट करने की कोशिश करूँगा। देखते grew up a little too fast, I miss the days that we chillin' and relax, where did the time go, it all passed, now I need to go back, I had no worries but always had plans, only thing I did was dig out the trash, now it's much harder to laugh, hard to get up and the work on my craft, yeah. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just try some meditating, I don't need you to save me, feel like all of you hate me, everything's been so hard with all the situations lately, I just need to numb the pain. गर्मी गर्मी गर्मी, इतना मेजर गर्मी है ना, मैं गाड़ी पीछे ले लेता हूँ। फास्टेस्ट चेस्ट वर्कआउट आज मैंने किया है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट के अंदर मैंने अपना चेस्ट वर्कआउट खत्म किया। ट्राइसेप मैंने नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और ट्राइसेप बाइसेप मैं पूरा एक आर्म्स का आर्म्स के लिए अलग से दिन रखता हूँ, तो इसकी वजह से मैंने नहीं किया। और क्वालिटी वर्कआउट हुआ है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशंस करने जाओगे ना आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। और आज मैं वो कैसे भी करके लेट नहीं होना, आज बहुत स्पेशल दिन है और ये दिन पर मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। तो एनीवेज अभी घर पर जाते हैं, घर पर जाके फ्रेश होके जल्दी से आप लोगों को मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली बैक होम और आज का हमारा वीडियोग्राफर जो है वो है गौरांज। गौरांज जरा शक्ल दिखा, पकड़ 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 पकड़। अभी जल्दी से मैं अपना सिर्फ प्रोटीन शेक पीने वाला हूँ, लंच हम लोग बाहर ही करने वाले हैं और आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को आज नॉनवेज नहीं खा सकते तो वेज ही खाएंगे। बनाना मतलब ये इकड़े इकड़े पहले तो गाड़ी चालू करता हूँ। ओके एसी चालू,
फाइनली मैं निकल गया और अभी टाइम क्या हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है 1:49 और मेरा और कोमल का मिलने का जो प्लान है वो है 2 बजे का। तो मेरे पास गिन के 10 मिनट है, 10 मिनट में मेरे को रेडी होना है, मतलब सिर्फ बाल ठीक करने हैं। बाल की कंडीशन आप लोग देख सकते हो, अभी बाल जो सेट करेंगे वो है वसीम भाई, वसीम भाई के सैलून में चलते हैं, बाल ठीक करते हैं, उसके बाद फिर कोमल को पिक करने जाऊँगा मैं। 10 मिनट है सिर्फ। ऑल राइट, बाल एकदम सेट हो चुके हैं थैंक्स टू वसीम भाई। अगर आपको उनके सैलून में विजिट करना है तो आईडी मैं स्क्रीन के सामने दे दूंगा। और एक गड़बड़ हो गई है, बारिश स्टार्ट हो गई है, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा। ओ बर्थडे गर्ल, ये कैसी है? बर्थडे गर्ल इज हियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कोमल, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने साल की हो गई आज? मत पूछिए, बोल रहा है ऐसे बोलना तो बढ़ेगा ना, उसमें क्या हो रहा है? मैं 23 साल का हो रहा हूँ। नहीं होते जा रही है, मस्त लग रही है। थैंक यू बहुत। दियो कितने बजे बोलूँ मैं? पता नहीं अभी इसका प्लान है कि शूट करने का बाहर, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत मस्त लग रही है। तो गाइस जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे लेट ही लेट जाके लेकिन विश कर दो। फिर लास्ट वीडियो में भी लोगों ने विश किया। यस कर दो, विश कर दो। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इसका जो शूट था वो कैंसिल कर दिया हम लोग ने, और अभी हम लोग कैसे कैसे करके रेस्टोरेंट तक पहुँचे और रेस्टोरेंट में आए, और आज वेज खाना है क्योंकि आज ट्यूसडे है। बाद में से ये पार्टी मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसके लिए भी है नहीं, ये पार्टी बस ऐसी है, मैं इसको अलग से काटूंगा, जब नॉनवेज खाएंगे तब अलग से काटूंगा। सबसे पहले तो अभी खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, एक ही मील खाया मैंने सिर्फ, और ये मस्त पिज्ज़ा विज़ा दबा के आई है। चलो गाइस इसका फोटो शूट कर लेते हैं। पहला स्टार्टर आ गया है, अभी पेट के अंदर मस्त जाएगा खाना, उसके बाद अच्छे से मैं फोटो शूट इसका कर पाऊंगा। अभी तो किया है, अच्छे फोटो आएगा। ओके ओके, बट और बेटर आ सकते हैं। कुछ कुछ आ गए। इसका आउटफिट एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा है, और आउटफिट के अरे बाप रे, ये मेरे को बुला रहा है एक्चुअली, बोल रहा है कि खत्म कर खत्म कर, तो मैं खत्म कर रहा हूं। हाय सेकंड सेलिब्रिटी, इतना आराम से आ रहे हो, उसकी गलती थी। चाहता चाहता नहीं टूटा। अरे क्या पहने थे ना? मैं ट्राई कर रही थी। रोती है भाई ये लड़की, बहुत रोती है। मैंने पहना शर्ट, अप तेरा निकाह शूज मैं पहनती हूँ, पहन ले ले। आज की मॉर्निंग की तरह बारिश में ले पहन, हमेशा रोते रहती है। लंच करके हो गया हमारा, और यहाँ पे अपकमिंग यूट्यूबर्स का कंपटीशन चल रहा है किसका हाथ ज़्यादा स्टेबल है। ये तो चीटिंग करिए, हाथ नीचे नहीं रखने का, एक ही हाथ से चल रहा है, एक ही हाथ से चल रहा है। चैलेंज था कि एक हाथ से पूरा मूव करने का, ये दोनों हाथ मस्त यूज कर लिए। ऐसे ऐसे चैलेंज था, ऐसे पकड़ते हैं। मैं बहुत स्टेबल हूँ बेल। कौन बोला ऐसे, खुद से खुद की तारीफ करने की? ये तारीफ खुद ही बताओ, लेट्स चेक। चीटर तो नहीं हूँ मैं कोमल की तरह, दोनों हाथ नहीं। नहीं नहीं, काफी स्टेबल था। गाइस द केक इज हियर, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा ये फोकस करना है। हाँ, अच्छा। ये कोमल का बर्थडे केक। पापरे उसने हैप्पी बर्थडे कोमल इतना बड़ा क्यों लिखा है? बहुत एक्साइटेड है, केक वाला ज्यादा एक्साइटेड है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Komal। खुद ही खाती है। खा ले लग जाएगा, लग जाएगा। वो तेरा रिकॉर्ड करी तो उसका रिकॉर्ड कर लेना। दो मैं रिकॉर्ड कर दो। हाँ
अबे ये सब खिलाओ, बहुत अच्छा सब खिलाओ मुझे। एक मिनट, ऐसा कोई बोलता है क्या बर्थडे में सब खिलाओ मुझे? क्योंकि खुद तीन बार खुद ही खा चुकी है। हाँ ना यार, ये लोग तीनों भी इतना मीठे के शौकीन है ना। वो क्या मंगाते तुम लोग बीच में? अब सीधा तेरे बर्थडे पे खाऊंगी चीट। अरे नहीं नहीं, तुम लोग क्या मंगाते थे बीच में? क्या कौन सा केक? चॉकलेट केक। भाई साहब वो इतना ज्यादा मीठा होता है, मैंने एक दिन मंगाया था। नहीं मीठा नहीं होता। अबे बहुत मीठा रहता है, बहुत उसके अंदर, और उसके अंदर ना वो पूरा लावा, पूरा लावा वो चॉकलेट रहता है। इतना कितना ओवर करती है, और हमेशा बोलती है कि मैं डाइट पे सोल पकड़ना पड़ता है इसके हर बार, मतलब इसका अंदर ही रहे, मैं ऐसे खा चीज। कैसे 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 हमने सोल पकड़ के रखी है। और मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे कोई तो गैस लीक हो गया है ना, गैस लीक हो गया कोमल के बर्थडे के दिन, गैस लीक हो गया। ऐसा हम लोग टाइटल डालने का सोच रहे हैं अभी। एक बार मेरे बर्थडे पे रेनबो आता है। नहीं, आज का टाइटल रहेगा नेरुल में गैस लीक, कोमल के बर्थडे के दिन नेरुल में गैस लीक हो गया। बस बात खत्म, वीडियो वायरल होना चाहिए। इतना इतना ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करके टाइटल लिखने को नहीं आता मेरे को। नहीं पर सच में गैस लीक हुआ है, हम दिखाएंगे। हां गैस लीक हुआ है, गैस लीक हुआ है। कोमल का, कोमल के बहुत क्लोज वंस रहते हैं। हां इसकी बहुत क्लोज फ्रेंड रहती है वहां पर।